बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर से होंगे। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, कुछ बेसिक्स पढ़ी थी, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े थे और मैंने कहा था कि आप लोग लाजमी याद करना। अब लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, कुछ यूज़ होंगे, कुछ फ़िलहाल आगे यूज़ होंगे, अभी यूज़ नहीं होंगे। तो अलबत्ता आपने लाजमी तौर पर पहले वो याद कर लेने, अगर नहीं किए, अगर किए हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 5 है। एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर 3 है आज करना, इसमें कह रहा है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज एक्सपोनेंट्स। क्वेश्चन दिए गए हैं, इनको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखना है। एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिखने से मुराद क्या है, इसको पावर की फॉर्म में लिखना है। तो आपने इसको पावर की फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? सोल्यूशन कोई नहीं है, जस्ट इसका एक स्टेप या ज़्यादा दो स्टेप में आंसर है। पहला क्वेश्चन है कि स्केयर रूट थ्री। स्केयर रूट थ्री जो है वो कितने टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है? 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको लिख देंगे स्केयर रूट थ्री की पावर 4। जस्ट हमने ये इसको एक्सपोनेंट की फॉर्म में लिख दिया। कल लास्ट लेक्चर में बताया था कि 2 की पावर 5 से क्या मुराद है, कि 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे 3 स्केयर रूट 3 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हुआ, तो पावर 4 आ गई। जस्ट सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2 है, इसका वो 8 है। अब 8 को भी पावर की फॉर्म में लिखना है। अब 8 को पावर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? 8 इक्वल होता है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 के। 8 इक्वल होता है 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8, यानी 2 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स है, तो 2 की पावर 3 आ जाएगी। नेक्स्ट, बस ये एक्सपोनेंट में आ गया और ये आपका आंसर एक्सपोनेंट में लिख दिया हमने इसको। अब ये 2/3 है। 2 देखें, वो 8 की तरह एक्सपेंड नहीं हो सकता, ना ही 3 8 की तरह एक्सपेंड हो सकता है। यानी हमने 8 को लिख दिया था ना 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, ऐसे ना 2 हो सकता है ना ही 3 हो सकता है। तो इसको हम पावर में नहीं चेंज कर सकते। फिर क्या करेंगे? फिर हम इसको, अब इसकी पावर कोई नहीं है, इसकी पावर भी कोई नहीं लिखी हुई, तो इसकी पावर हम क्या करेंगे? 1 लिख लेंगे। किसी जब जिस भी नंबर की कोई पावर नहीं होती, उसकी पावर 1 होती है। तो इसे लिखेंगे 2/3 की पावर 1। जिसकी नंबर की कोई पावर नहीं होती, उसकी 1 होती है, तो इसकी हमने पावर 1 लिख ली है। अब ये 8/27 है। 8 को तो अभी हमने लिखा था, कैसे लिखा था? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, और 27 होता है 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। तीनों को 3 टाइम्स लिख लिया। अब ये 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 हो जाएगा 2 की पावर 3, और ओवर में आ जाएगा 3 की पावर 3। अब आपने एक लॉ पढ़ा था जिसके मुताबिक पावर 3 और पावर 3 ये दोनों क्या हो जाएंगी? कंबाइन हो जाएंगी, 2/3 की होल पावर 3 आ जाएगी। ये मैंने यूज़ किया आपका लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में, लॉ नंबर 5 जो कल लिखवाया था उसमें। ये आप देख लेना, उसमें ये इसी तरह किया है मैंने। ठीक है, a की पावर m लिखी हुई थी और b की पावर m लिखी हुई थी, फिर a/b की पावर m, ये इसका एक्सपोनेंट में आ गया और ये आपका आंसर आ गया। अब ये वाले दो नंबर्स हैं, अब ये दोनों की पावर -3 है। ठीक है, दोनों की पावर -3 है और ये दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई भी हो रहे हैं। फिलहाल क्वेश्चन में एज़ इट इज़ लिख रहा हूँ। 2 बेस सेम है, ठीक है, बेस सेम है और पावर्स आपस बेस सेम है और नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो जो पहला लॉ आपने पढ़ा था कि दो नंबर बेस सेम हो तो पावर्स उनकी क्या आ जाती हैं? ऐड हो जाती है। दो नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हो तो पावर्स उनकी ऐड हो जाती है, तो पावर्स को आपने ऐड कर देना है -3। अब चूंकि यहाँ माइनस है, करना तो हमने प्लस ही है, लेकिन यहाँ माइनस है, उसकी वजह से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। ठीक है, -3 -3। अब माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का लगेगा, 3 + 3 6 हो जाएगा। ये आपका आंसर है। इनको हमने लिख दिया एक्सपोनेंट की फॉर्म में। क्वेश्चन नंबर 1/3 मैंने कंप्लीट करवा दिया, जो कि सारे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के थे, तो इसलिए मैंने सारे पार्ट्स करवा दिए हैं। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 4 लिख लिया है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है स्टेट द बेस एंड द एक्सपोनेंट्स। बेस और एक्सपोनेंट को आपने बताना है कि इसमें, इस नंबर में बेस कौन सी है और एक्सपोनेंट कौन सा है। कल जो हमने बेसिक्स पढ़ी थी उसमें हमने पढ़ा था कि बेस क्या होती है, जिसकी पावर लिखी होती है वो क्या होती है? बेस होती है, और जो पावर होती है वो एक्सपोनेंट होता है।
जो पावर के अंदर लिखा होता है वो बेस, और जो पावर होती है वो एक्सपोनेंट। करना कुछ नहीं है, जस्ट आपने लिखना है बेस, बेस क्या होगी और एक्सपोनेंट क्या होंगे। हर क्वेश्चन में आपने ये लिखना है, और ये कोशिश करें कि ये मार्कर से लिख लें आप, बेस और एक्सपोनेंट ये मार्कर से, और जो आंसर है वो आप पेन से लिख लें। इधर भी बेस एक्सपोनेंट। ये टोटल क्वेश्चन में 4 के 5 पार्ट्स हैं, 10 पार्ट्स हैं जिनमें से मैंने 5 करवाए हैं। इसमें हमने बेस बतानी है और एक्सपोनेंट बताना है। तो बेस मैंने भी बताई है, जिसकी पावर होती है, यहाँ पे किसकी पावर है, √3 की पावर है, तो √3 यहाँ पे बेस आ जाएगा, और एक्सपोनेंट क्या आ जाएगा, 4। इसी तरह यहाँ पे बेस क्या आएगा, एक्स, और पावर चूँकि -4 है तो एक्सपोनेंट आ जाएगा -4। इसी तरह यहाँ पे बेस देखो, यहाँ पे पावर नहीं लिखी हुई, पावर यानी एक्सपोनेंट नहीं लिखा हुआ। एक्सपोनेंट जब भी मैंने पहले भी बताया है 2/3 के केस में कि कुछ भी नहीं है तो पावर क्या होगी, 1 होगी। तो यहाँ 1 लिखा हुआ है तो 1, बेस तो 1 ही है, लेकिन इसकी पावर कुछ नहीं है, इसका मतलब इसकी पावर भी 1 ही होगी। ठीक है, जिसकी पावर कुछ नहीं होती उसकी पावर 1 ही होती है, और बेस इसकी 1 ही है। और 5 की पावर 1/2, बेस इसमें 5 है और एक्सपोनेंट क्या है, 1/2। और इसी तरह लास्ट पार्ट 9 वाले में बेस आपके पास 3a², और जबकि जो एक्सपोनेंट होगा वो आपका 0 है। तो ये मैंने 5 पार्ट करवाए हैं, बाकी 5 पार्ट्स आप खुद के देख लेना, 1, 2, 3, 5, 7, 10। ठीक है, बाकी पार्ट्स जो हैं वो आप लोगों ने खुद मुझे करके चेक भी करवाने हैं। नेक्स्ट चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में अब जो लास्ट एक्सपेरिमेंट्स आपने पढ़े हैं उनको हम यूज़ करेंगे। तो पहला है क्वेश्चन 4a³ power 0। अब a³ की पावर 0 है, हमने लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट में कल पढ़ा था कि किसी भी नंबर की पावर 0 आ जाए तो वो 1 के इक्वल होता है। ये लॉज ऑफ एक्सपेरिमेंट मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आपने पढ़ा था कि a⁻⁰ = 1। तो a कोई भी नंबर हो सकता है, तो कोई भी नंबर यहाँ पे a³ है उसकी पावर 0 भी क्या होगी, वो 1 के इक्वल ही होगा। तो पहले आपने क्वेश्चन एज इट इज़ लिखना है, 4a³ की पावर 0, और फिर इसकी जगह आपने 1 लिख देना है। 1 क्यों लिखा, आगे आपने रेफरेंस भी देना है, ये साइन होता है कि ये का आपने कहाँ से लिया है, या सिंस, या सिंस का साइन होता है कि आपने कहाँ से लिया। आपने पढ़ा था कि a⁻⁰ = 1 होता है, इसलिए आपने इसकी जी पावर 0 की जगह क्या लगा दिया, 1। तो 4 1s are 4, ये आपका आंसर। अब नेक्स्ट पार्ट देखो, सेकंड। तो सेकंड पार्ट में क्या है, √3 और उसकी पावर -4 है। पहले तो √3 आपको कल में बताया था मैंने, ये जो रिज़ल्ट हमने लास्ट में कल पढ़ा था कि 1 की पावर n हो और यहाँ पे n लिखा हो तो 1/n के इक्वल होता है, और अगर यहाँ पे कुछ ना लिखा हो तो वो 1/2 के इक्वल होता है। यानी ये है, ये सिर्फ लिखा होता है √x, तो ये किसके इक्वल होता है, x की पावर 1/2। यहाँ पे 3 आ जाता तो यहाँ पे 3 आना था, 5 आता तो यहाँ पे 5 आना था। जब यहाँ कुछ भी ना हो तो 1/2 के इक्वल होता है ये। यह आपने याद रख लेना है कि जब यहाँ कुछ नहीं होगा तो वो 1/2 के इक्वल होगा। तो इसको अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे √3 है। पहले सॉल्यूशन में तो क्वेश्चन को एज इट इज़ लिखना है, अब ये पावर यहाँ पे क्या है, 3 की पावर 1/2 है, अभी मैंने बताया है। ठीक है, उसके मुताबिक ये 3 की पावर 1/2 है। अब ये, अब एक और ला एक यूज़ करेंगे यहाँ पे, law number 3। law number 3 के मुताबिक कोई नंबर इस तरह लिखे हों ब्रैकेट में, ये देखो इसी तरह लिखे हुए हैं, तो ये दोनों नंबर्स आपस में क्या हो जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो यानी 1/2 और -4 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 3 की पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय -4, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अच्छा, ये फिर क्वेश्चन हम कल कर लेंगे, कल के क्वेश्चन में ऐड कर लेते हैं, क्वेश्चन मैं नीचे प्रोसीड करूँगा। अब यहाँ पे देखो, 1/2 × -4 है, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो यहाँ जाएगा 3, वैसे का वैसे ही है, 2 1s are 2, 2 2s are 4, ये मैं पेंसिल से कटिंग कर रहा हूँ, 2 1s are 2, 2 2s are 4। तो पावर कितनी रह जाएगी, 3 की पावर 2 1s are
माइनस टू रह जाएगी। माइनस साइन वैसे का वैसे ही है, टू वन ज़ार टू, टू टू ज़ार फोर, वन टू ज़ार टू आ गया, थ्री की पावर माइनस टू है। अच्छा लास्ट ऑफ एक्सपोनेंट में वो बुक में भी नहीं लिखा वाला, तो आप एक और ऐड कर लो इसमें सेवन वाला। वो क्या होगा कि किसी भी नंबर की पावर जब माइनस वन आ जाए, किसी भी नंबर की पावर जब माइनस वन आ जाए तो हम उसे वन ओवर ए लिख लेते हैं, ठीक है। यानी अगर पावर माइनस आ जाए तो हम उसको ओवर में ले जाते हैं, और अगर नीचे पावर माइनस हो तो हम उसे ऊपर ले आते हैं। तो पावर यहाँ ऊपर माइनस होगी तो वो नीचे ले जाके उसे प्लस कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन में यहाँ पावर माइनस टू है, माइनस टू को मैंने प्लस बनाना है, तो क्या करेंगे, से करेंगे कि वन ओवर थ्री का स्क्वेयर आ जाएगा। पावर माइनस थी, नीचे जाके क्या हो गई है, प्लस हो गई। अब थ्री के स्क्वेयर से क्या मुराद है, थ्री के स्क्वेयर से मुराद है थ्री मल्टीप्लाई बाय थ्री, और थ्री थ्री ज़ार क्या होता है, नाइन। तो ये आपका आंसर आ गया। ये देख लो क्वेश्चन, ये दो पार्ट ही आज के लेक्चर काफ़ी हैं, बाकी इंशाल्लाह कल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर वन और क्वेश्चन नंबर टू, इनको अच्छी तरह समझना है, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स याद करने हैं। आज मैं कम कम इसलिए इनके कम क्वेश्चन इसलिए करवाया था कि आप फार्मूलाज या लॉज ऑफ एक्सपोनेंट याद कर लें, और कल आपको जो है वो मज़ीद समझ लगेगी, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।